तो आजकल दराज पे आपने देखा होगा कि कोई भी तीन प्रोडक्ट्स आप पहले तो 1299 में ले सकते हो, देन एक बार बाय करने के बाद 1799, उसके बाद पता नहीं कितने का। तो वही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल की है, तो 1299 की मैंने कोई तीन चीज़ें मंगवाई हैं। एक है टीवी एंटीना मंगवाया था, एक बल्ब मंगवाया था, एंड वो एक लास्ट जो परफ्यूम की लाइक आजकल वो एक न्यू चीज़ नहीं आई जिससे आप रख के मतलब छोड़ दो लगा के परफ्यूम पूरे रूम में कर देती है, वो मंगवाया। खैर मैंने भी तुक्के में ही मंगवाई, मैंने भी मजाक कर रहे हैं शायद, तो खैर मंगवा लिए मैंने। लेट्स ओपन दिस और देखते हैं वाकई में ये चीज़ें निकलती हैं और किस क्वालिटी की निकलती हैं। खैर ये आई चाइना से हैं, लेट्स सी ओपन एंड रिव्यू इट भाई कैसी हैं ये। तो सबसे पहले मेरे पास ये पार्सल आ रहा है मेरा, ठीक है। खैर यहाँ पे सुराख वगैरह हूँ क्योंकि चाइना से हैं, तो ऊपर नीचे इसके सुराख शायद मार के पिन चेक करते रहे इनमें यार के इसमें क्या है कस्टम वाले या क्या सीन है। तो खैर इतना बड़ा पार्सल है और ये कुछ मेरा जो है वो नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे चाइना का आया हुआ है, ऊपर दराज वालों ने अपना पैक करके लगाया हुआ है। तो विदाउट एनी फर्दर डू इसको ओपन करते हैं। तीन चीज़ें हैं इसमें, लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं कि क्या निकलता है। तो एक प्रोडक्ट ये है, सेकंड प्रोडक्ट इज दिस एंटीना, टीवी एंटीना, लेट्स सी दिस क्या होता है। और तीसरी प्रोडक्ट हमारे पास ये है पैकेट को, एंड ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट आ गई हमारी। सबसे पहले तो ये परफ्यूम वाला हम देख लेते हैं कि इसमें कलरफुल मतलब परफ्यूम वगैरह जो फेंकता है आपको दिख रहा होगा। खैर ये 1299 में आया, मेड इन चाइना ऊपर लिखा हुआ है, एक अच्छा लुकअप कह सकते हैं प्रोडक्ट का। बैक पे देखें, प्रोडक्ट नेम है कलरफुल कप लिखा हुआ है, वाटर कैपेसिटी इसमें 260 ml, रेट पावर क्या है, लाइटनिंग वोल्टेज, लाइटनिंग टाइम क्या है, अलवेज ऑन रहती है और ब्ला 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 सब कुछ ऑन। तो मतलब आप लोग भी ज़्यादा इस पर फोकस्ड होंगे क्या इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है और एक हमारे पास ये है, इसके अंदर डेटा केबल है आई थिंक सो। इसके अंदर परफ्यूम वगैरह कुछ जो है आप इसमें फेंकते हो, मतलब परफ्यूम वगैरह इसके अंदर भरते हो आई गेस के, तब ही ये कुछ ना कुछ आपको देती है। लाइक ये चार्ज यहाँ से करेंगे आप इसको, एंड जो भी है इसको अभी लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें क्या। इसमें अब आ रहा है कलरफुल बल्ब जो है 360 वो RGB बल्ब जो है, इसको भी टेस्ट आउट करेंगे इसमें कितने कलर्स आ रहे हैं। ये इसका रिमोट आ रहा है और ये हमारा बल्ब है। क्वालिटी की बात करें तो यार बिल्कुल ही फारक किस्म की क्वालिटी है इसकी, फिर भी इसको एक बार हम टेस्ट करेंगे इसमें क्या है। और ये रहा हमारा एंटीना, एंटीना खैर ये मैंने पता नहीं क्यों मंगवाया, किस लिए मंगवाया, लेकिन मंगवा लिया। तो इसके अंदर ये हमारी केबल वाला जो स्लॉट है वो लगा हुआ है, मतलब ये केबल की वायर जैसी ही है लेकिन ये इसके साथ फिक्स है, ठीक है, आप इसको उतार नहीं सकते। अब ये तो तभी पता चलेगा कि जब इसको टेस्ट आउट करूँगा मैं, तो अभी टेस्ट करते हैं इसको भी। इसकी वायर वगैरह की बात कर लें अभी, तो वायर काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी भी नहीं बस अच्छी कह सकते हैं कि अच्छी है, और काफ़ी मतलब इस प्राइस टैग में जो आ रहा है इसकी वायर आई गेस काफ़ी है। और अब इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, लेट्स सी कि ये काम करती हैं या नहीं। आज की वीडियो अभी मतलब कि स्टूडियो सेटअप में यहाँ तक ही था, तो अब चीज़ों को करते हैं बारी बारी टेस्ट, लेट्स सी के कौन सी ठीक निकलती हैं और कौन सी नहीं। उससे पहले मैं बताता चलूँ, दराज से मैंने मंगवाया, ठीक है, 1299 रुपये में ये तीन प्रोडक्ट्स आए हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि चल रही हैं, काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही। तो सबसे पहले अभी हम लोग अपना फर्स्ट प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। मेरे यहाँ पर अम्ब्रेला लाइट जो है ये स्टूडियो के लिए जो मैंने लगाई हुई है ये लगी हुई है। खैर इसको यहाँ से करते हैं ऑफ और इसको यहाँ से अब निकालते हैं अम्ब्रेला को, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर इससे पहले जो है मेरे पास ये दूसरा सुपर टफ का जो बल्ब है ये लगा हुआ है, इसको उतारते हैं। ये भी चूड़ी वाला है और ये भी चूड़ी वाला ही है बल्ब। लेट्स अटैच दिस एंड फाइंड आउट क्या ये काम करता है या नहीं। तो आपके सामने है ये काम कर रहा है, और ये रिमोट है, इसको ऑफ करते हैं क्या ये काम करेगा। अच्छा रिमोट का जो ये चीज़ है इसको निकाल लेनी है एक बार आपने,
ऑफ। यस ऑफ कोर्स दिस इज वर्क यार, ऑन करते हैं तो ये ऑन हो रहा है। तो आर RGB मतलब कि इसका जो रिमोट का कलर है ये आप अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि टेस्ट ये करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। रेड में जो आ रही है जो जो कलर हैं वो अवेलेबल है सारी, ठीक है। R का बटन दबाओगे फुल रेड आ जाएगा, फिर इसके ऊपर जितने भी बटन आ रहे हैं ऐसा ऐसा वो हो जाएंगे। अब ग्रीन की बारी है, तो ग्रीन भी आ रहा है ब्लू, येस ऑफ कोर्स। अब ये W क्या करता है, W आई थिंक सो वाइड है, तो ये फ्लैश मतलब के सारे RGB जो कलर्स हैं ये इसी में आ जाते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है आई थिंक सो, ये ऐसा ऐसा जो है इसके कलर चेंज होंगे। फेड में सारे कलर्स एकदम से ऐसे चेंज होते जाएंगे। और अब बारी है स्मूथ की, मतलब के सारे कलर एकदम से बारी बारी करके चेंज होते जाएंगे। तो इसको करते हैं हम अब ऑफ, हो जाओ ऑफ। तो अब हमारे सेकंड प्रोडक्ट की बारी है जो कि ये है, और इसका डेटा केबल जो हमारे पास है वो ये है। आप दूसरी डेटा केबल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि मेरे वहाँ पड़ी है, मतलब ये आम मोबाइल की डेटा केबल है ये चीज़, ठीक है। ये वैसे मैंने एक्सटेंशन जो है वो लगाई हुई है। तो अब इसको हम लगाते हैं, लेट्स सी कि ये, यस ऑफ कोर्स यहाँ से ये आई थिंक से आई गेस चार्ज होती है या वट एवर, ये जो भी है। अभी मुझे पता नहीं है कि ये किसके ऊपर लगता है, बस मैंने मंगवा ली। आई लिटरली डोंट नो कि ये कैसे ऑन होते हैं, लेकिन मतलब ओवरऑल जो है ये वर्क कर रहा है। तो होप्स हो कि ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या कैसे काम करता है। जो भी है, अब थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो अभी आप अगर देख सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पे TV ऑन है, तो अभी जो मैं नज़र आ रहा हूँ आपको बहुत छोटा, क्योंकि यार ये TV बहुत ऊपर लगी है, LCD जो हमारी है। तो लेट्स ट्राई दिस कि ये वर्कआउट करता है या नहीं। इसको हम अभी जो केबल की तार है इसको निकाल देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी वर्क कर जाए ना तो हमारे जो पैसे हैं वो पूरे हो जाने हैं। तो जैसे कि आपके सामने है यार, दिस इज़ नॉट वर्क, मे बी के ये किसी और तरीके से वर्क करता हो, लेकिन एंटीना का काम तो यही है कि यार इसे सिग्नल प्रोवाइड कर दे चाहे जहाँ से मर्जी है करे, लेकिन दिस प्रोडक्ट फिलहाल इज़ नॉट वर्किंग देयर, क्योंकि आपके सामने जो कि मैंने आपको दिखा दिया था और केबल हमारा जो था काम कर रहा था और बिल्कुल परफेक्टली कर रहा था, और दिस एंटीना इज़ नॉट वर्किंग येट। तो आगे अगर मुझे जैसे ही पता चलता है कि कैसे काम कर दे तो आपको एक शॉट बना के ज़रूर बताऊँगा।